ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि भीष्म पितामह एक अजय योद्धा कैसे थे, क्यों उनको कोई नहीं जीत पाता था, क्यों मिला था उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान, कैसे मिला था, ये सब तो मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं। अभी मेन ये है कि वो अजय कैसे थे। तो पहले मैं भीष्म की शक्ति के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े महारथी योद्धा भीष्म से उम्र में छोटे होकर भी भीष्म को युद्ध में पराजित नहीं कर पाते थे। भीष्म की शक्ति के बारे में बात करूंगा, तो इसी के आधार पर उन्होंने सारे नियम बनाए थे। उन्होंने दैनिक जीवन के सरल नियमों को भी अपने चरम प्रकृति तक पहुंचने का सोपान बना लिया था। भीष्म ने इतनी भीषण प्रतिज्ञा कर डाली, उनकी प्रतिज्ञा को हम भीषण इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो ब्रह्मचारी बन गए, यह सारा राजपाट त्याग दिया। उनकी व्यक्तिगत असुविधा या क्षति के लिए हम उसे भीषण नहीं कहते, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि वह जिस कुरुवंश और देश से इतना प्यार करते थे उन्होंने उसे दाव पर लगा दिया। जो चीज उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी उन्हें उसे ही दाव पर लगा दिया और कहा यही उनका धर्म है और यही उनकी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। जैसे जैसे महाभारत की कहानी आगे बढ़ती है आपको तमाम ऐसी परिस्थितियां दिखाई देती है जहां भीष्म लगभग अति मानव या सुपरमैन जैसे नजर आते हैं। यदि कोई मनुष्य अपने भीतर मौजूद जीवन के बीज को रूपांतरित करने के लिए तैयार है तो कोशिका जो एक और मनुष्य के निर्माण में समर्थ है उसे वो जीवन शक्ति में रूपांतरित करने के लिए तैयार है तो परमाणु बल की तरह शक्तिशाली हो जाता है। उसको पता ही है कि एक परमाणु कितना ऊर्जा पैदा कर सकता है। आपको भी पता है कि एक परमाणु कितना ऊर्जा पैदा कर सकता है। कई बार लोगों ने कहा कि वे भीष्म से नहीं लड़ सकते क्योंकि वह एक ब्रह्मचारी है, उन्हें नहीं मार सकते क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के हर बीज को एक जीवन शक्ति में रूपांतरित कर दिया था जिसके कारण वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकती थी। इसलिए कहा गया कि भीष्म के पास अपनी मृत्यु का समय चुनने की शक्ति थी, वो अनश्वर या अमर नहीं थे मगर वो अपनी मृत्यु का समय और स्थान चुन सकते थे, जो एक तरह से अमरता की तरह ही है। अमरता एक अभिशाप की तरह है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपको हमेशा के लिए जीना पड़े तो आपके लिए कितनी बड़ी यातना होगी? तो अमरता तो एक अभिशाप है लेकिन अपनी इच्छा से मरने का विकल्प एक वरदान है। अपने समय से काफी आगे थे वो। ये अपनी ऊर्जा और प्रकृति के ऊर्जा का लाभ उठाने की एक प्रक्रिया है। महाभारत में दूसरा उदाहरण अस्त्र है जो शक्तिशाली हथियार होते थे। कहा जाता है कि अस्तित्व के छोटे सबसे छोटे कण को युद्ध भूमि में सबसे बड़ी शक्ति बनाया जा सकता था। यह परमाणु बम की तरह लगता है, हालांकि वे उस समय भी तीर धनुष का प्रयोग करते थे। कुछ अस्त्रों के असर के बारे में बताते हुए ऐसी बातें कही गई हैं कि चाहे तो आप इस अस्त्र से पूरी दुनिया नष्ट कर दीजिए, आप चाहे तो इससे पूरी दुनिया को न नष्ट करें, गर्भ में मौजूद शिशु तब भी झुलस जाएंगे। यह भी परमाणु हथियारों के असर जैसा लगता है। या तो उनके पास बहुत ही शानदार कल्पना शक्ति थी या उनके पास वाकई इस तरह का ज्ञान था। क्या उनके पास इस तरह के हथियार थे? क्या उन्होंने ऐसे हथियार कहीं देखे थे या किसी न किसी से आकर उन्हें ये बातें बताई थी? हम यह नहीं जानते, मगर आपको एक खास जागरूकता और सतर्कता के साथ इस कहानी को देखना चाहिए। यह कहानी कुछ लोगों की लड़ाई या किसी की व्यक्ति की राजपाट या पत्नी या बच्चे की इच्छा की नहीं है। इस कहानी के कई आयाम हैं। ये सारी शक्तियां भीष्म पितामह ने अपने आप में संजोई हुई थी। मैंने जो कहा वो एक फिलॉसफी है, ये नहीं कि वो अजय थे। इस अजय का मतलब अपने आप से लीजिए आप, कि उन्हें किस तरह से अपने आप को सारी शक्तियां को अपने आप में संयम करके रखा हुआ था। तो भीष्म पितामह जो अजय थे वो अपनी बदौलत थे, हर चीज को अपने में समाहित करके रखा हुआ था। आप में भी वो शक्ति आ सकती है, आप भी सारी शक्तियों को अपने आप में समाहित कर सकें। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप ब्रह्मचारी रह सकते हैं? क्या आप सारे राजपाट छोड़ सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो एनीवेज कोशिश कर सकते हैं उनके जैसा बनने की। तो धन्यवाद,
आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।